मंडल अधिकारी हथीन के कार्यालय पर प्रेम सहरावत की अध्यक्षता में गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग को संबोधित करते हुए ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन के यूनिट सचिव वेदपाल तेवतिया व कनिष्ठ अभियंता सतीश चंद ने बताया कि गुरुग्राम सर्कल सेकंड से हटाए गए आउटसोर्स के 13 लिपिकों को वापस ड्यूटी पर नहीं लिया जा रहा, जिससे पीड़ितों के परिवार का पालन पोषण भी नहीं हो रहा है। जबकि निगम मैनेजमेंट ने यूनियन को भरोसा दिलाया था कि उनको ड्यूटी पर रख लिया जाएगा, परंतु काफी समय बीत जाने के बाद भी उनको ड्यूटी पर नहीं रखा गया। इस बारे में जब यूनियन के चीफ इंजीनियर दिल्ली से कर्मचारियों की मानी हुई तो मांगों के समाधान के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि इस पर असहमति जताई। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो दिनांक 24 फरवरी को चीफ इंजीनियर कार्यालय गुरुग्राम पर आक्रोश प्रदर्शन किया जाएगा। चीफ इंजीनियर मुर्तापुर, चीफ इंजीनियर मुर्तापुर, चीफ इंजीनियर मुर्तापुर, पत्नी कट्टा मुर्तापुर, पत्नी माने मुर्तापुर, निगम मरम्मत मुर्तापुर, इंकलाब जिंदाबाद, निगम डायरेक्टर जिंदाबाद, निगम डायरेक्टर जिंदाबाद, जिंदाबाद के साथी जिंदाबाद। पलवल में पशु डेयरी के लिए नहीं दे रहा था ऋण। पलवल में रिश्वत लेते बैंक मैनेजर को काबू किया गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी बाता के उजेंद्र ने पशुओं के ऋण के लिए मांगे थे 25,000 रुपए की रिश्वत। वामरिया का गांव के रणवीर ने परेशान होकर विजिलेंस को इसकी जानकारी दी। फरदाबाद से आई टीम ने रंगे हाथों पकड़ने के लिए बिछाया था जाल, बैंक से किया गया काबू। जानकारी देते हुए विजिलेंस फरदाबाद के डीएसपी कैलाश ने बताया कि वामरिया का गांव निवासी रणवीर को कोऑपरेटिव बैंक से पशुओं के लिए लोन लेना था। लोन पास कराने के एवज में बाता गांव बैंक शाखा के मैनेजर उजेंद्र ने 30,000 रुपए बतौर रिश्वत की मांग की, जिसके बाद बैंक मैनेजर व पीड़ित के बीच 25,000 रुपए का सौदा तय हो गया था। सूचना मिलने पर फरदाबाद की विजिलेंस टीम ने छापा मारकर रिश्वत लेते 25,000 रुपए की बाता गांव की बैंक से उजेंद्र जो कि मैनेजर हैं उनको वहां से रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के तहत जिले के किसान 28 फरवरी तक करा सकते हैं अपनी फसल का पंजीकरण। उपायुक्त ने दी जानकारी। आपको बता दें मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसान पहले 15 फरवरी तक ही अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते थे, लेकिन सरकार की तरफ से इसे बढ़ाकर 28 फरवरी कर दिया गया है। जिन्होंने अपनी फसल का पंजीकरण नहीं कराया है वो अपनी फसल का पंजीकरण करा सकते हैं। पलवल के सल्लागढ़ में खेल खेल में छोटी बहन ने बड़ी बहन को छत से दिया धक्का। 7 वर्षीय लड़की गिरकर गंभीर रूप से घायल। जानकारी देते हुए बताया गया कि बच्चे खेल खेल में छत पर पहुंच गए। जब बड़ी बहन ने छोटी बहन को छत से धक्का दिया तो 7 वर्षीय उसकी छोटी बहन नीचे गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। परिवार वालों ने आनंद फानंद में उसको जिला अस्पताल में इलाज के लिए बढ़ा। होडल में पंजाबी सभा सेवा कमेटी के द्वारा लक्ष्मी नारायण मंदिर के 50वें वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए।